राजस्थान की राजधानी जयपुर में मंगलवार दोपहर को दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने दिन दहाड़े श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की गोली मारकर जान ले ली। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। 21 सेकंड की पहली वीडियो में बदमाश सुखदेव सिंह पर फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दो और वीडियो इस घटना की सामने आई है। घटना का जो दूसरा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है वो उस घर के बाहर लगे कैमरे का है जहां इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि अंदर हुए गोलीकांड के बाद बाहर खड़े गार्ड सतर्क हो जाते हैं, लेकिन फिर गोली से बचने के लिए वे साइड हो जाते हैं। इस दौरान तीनों बदमाश भागने लगते हैं। इनमें से एक को गार्ड की गोली लगती है जिससे वह वहीं पर गिर जाता है, वहीं बाकी दो भाग जाते हैं। जो इस घटना का तीसरा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें दोनों बदमाश भागते हुए नजर आ रहे हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे पहले वे दोनों एक गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी वाला नहीं रुकता है। फिर वो स्कूटी वाले से स्कूटी छीनते हैं और वहां से भाग जाते हैं। इस घटना की जिम्मेदारी रोहित गोदारा ने ली है। रोहित गोदारा ने फेसबुक पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, राम राम सभी भाइयों को, मैं रोहित गोदारा कपूरी सर गोल्डी बरार। भाइयों, आज ये सुखदेव गोगामेड़ी की जो जान ली गई है इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये हमने करवाई है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारे दुश्मनों से मिलकर उनका सहयोग करता था, उनको पूर्ण रूप से मजबूत करने का काम करता था। इस वायरल पोस्ट में गैंगस्टर ने अपने दुश्मनों को भी चेतावनी दी है। इसके अलावा पोस्ट के आखिर में काला जठेरी, लॉरेंस बिश्नोई, गोगी मान जैसे कई हैशटैग भी लिखे गए हैं। कैसे इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया इसकी जानकारी डीजीपी उमेश मिश्रा ने खुद दी है। क्या कुछ कहा वो सुनिए। आज जयपुर में दोपहर में एक गंभीर वारदात घटित हुई। श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या कर दी गई। हत्यारे बातचीत करने के बहाने से उनके घर में दाखिल हुए और शुरू में बातचीत भी किया और फिर उन पे गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस गोलीकांड में श्री गोगामेड़ी को व उनके एक अंगरक्षक को गोली लगी। साथ ही जो आरोपी एक आया था इन हथियारों के साथ ही उसको भी गोली लगी। घटना के पश्चात ये लोग मौके से फरार हो गए दोनों हत्यारे, और जो आरोपी साथ आया था उसकी व श्री गोगामेड़ी की मृत्यु हो गई। वहीं सुखदेव सिंह गोगामेड़ी पर हुए हमले की खबर सुनकर राजपूत समुदाय के सदस्यों ने जयपुर में उस अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू किया जहां राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के पार्थिव शरीर को रखा गया है। इसके अलावा भी प्रदेश में कई जगह प्रदर्शन की खबरें हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।